Okay, so we started with the groups and the periods and the periodic table. तो modern periodic table जो है वो आपका ठीक है, उसमें कितने periods होते हैं? Seven. There are seven periods in the modern periodic table and how many groups? 18 groups are there. कल मैंने आपको बताया भी है, जो groups होते हैं they are the vertical columns. ठीक है, ऐसे the vertical columns they are known as the groups and the horizontal rows. जो horizontal rows हैं उनको हम क्या कहते हैं? Periods कहते हैं, like this. Okay? तो ऐसी rows हमने कितनी बनानी है? Seven rows बनानी है हमें. Clear है बेटा यहाँ तक? ठीक है. Now I am going to make the periodic table. सबसे पहले फॉर द जनरल पीरियोडिक टेबल हमने यहाँ पर दो ग्रुप्स बनाने हैं, वन एंड टू. ठीक है, यहाँ पर मेरे कितने ग्रुप्स आ गए हैं? दो ग्रुप्स आ गए हैं. द वेरी फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, दैट इज ग्रुप वन एलिमेंट, एंड हियर वी विल बी स्टार्टिंग विद द ग्रुप टू. ऐसे बना लो. ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ है? पहले दो ग्रुप्स बना लिए, अब उसके बाद यहां पहले इनको कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि यहां पर जो एलिमेंट्स आएंगे उसके सामने बनेंगे. ओके, हाइड्रोजन, उसके बाद मैंने एक स्ट्रीम पे बनाना है हीलियम. ठीक है, वो मैं बाद में बनाऊंगी. उसके बाद आता है लिथियम, देन इज बेरिलियम. ओके, अब इसके बिल्कुल सामने हम बनाते हैं, इतना गैप छोड़ देते हैं. आपने एस्टिमेट कर लेना यहां से. ठीक है, तो यहां से हमने 10 ग्रुप्स और बनाने हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 and 10. ठीक है, जो आपके किसके सामने आने चाहिए? यहाँ पर मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम के सामने आने चाहिए. यहाँ पर सोडियम आएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम, इनके सामने बनाने हैं हमने. ठीक है, इनके सामने यहाँ से स्टार्ट करने हैं. क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? इज दिस क्लियर टिल नाउ? ओके, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व और एक और. ठीक है, नेक्स्ट के बाद हम पी ब्लॉक स्टार्ट करें. तो ये 12 तक हमने बना लिए. क्लियर हो गया यहाँ तक? अब उसके बाद यहाँ से हम 13 वाले जो है वो बनाने स्टार्ट करते हैं. अगेन ये 13 जो है वो आपका लिथियम के सामने बनेगा बिल्कुल. सी, 13 ग्रुप आपने कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ से. तो यहाँ से आपने बनाना शुरू करना है. Here will be 13. थोड़ा स्पेस देख लेना बेटा. 13, 14, 15, 16, 17 and 18. बना लिए हमने 18 ग्रुप्स. कंप्लीट 18 ग्रुप्स. ठीक है, अब जो 18 ग्रुप है उसके ऊपर क्या आएगा? हीलियम आएगा. तो हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने हमने क्या बना देना है? हीलियम. ओके, हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने हमने क्या बनाना है? हीलियम बनाना है. अब देखो बेटा, एक मिनट का देखो. हाइड्रोजन, हीलियम, नाइन्थ तक आप एक स्कीम पढ़ के आए हो. हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, नेक्स्ट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन,
नियॉन, ठीक है। नियॉन के बाद आता है सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, 13 इज, 13 कौन सा एलिमेंट, 13 एलिमेंट बलजिंदर, 13 एलिमेंट, सोडियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद 13 एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 13, नेगा नागा मैजिस्ट्रेट, उसके बाद ऑल एल्यूमिनियम, उसके बाद ऑल सिल्ली पीपल शुड क्लियर अरिथमेटिक ए आर आर्गन पेपर पोटेशियम केयरफुली कैल्शियम। तो हमने फर्स्ट 20 की स्कीम लिख ली है यहां तक, अब समझ आया कैसे बनाना है, ठीक है। तो जितने आपको फर्स्ट 20 पता है उस अकॉर्डिंग आपने ऐसे बना लेने हैं पहले, ठीक है। बस ये याद रखना है कि जो थर्ड ग्रुप है आपका वो कहां से स्टार्ट होगा, 20 के बाद स्टार्ट होना जो आपका थर्ड ग्रुप है, ओके। द थर्ड ग्रुप इट विल स्टार्ट आफ्टर द 20th एलिमेंट, दैट इज द कैल्शियम वन। हाँ जी बेटा, कहाँ आरबी, ये हाँ जी आरबी रुबिडियम है, एलिमेंट है ये भी, हाँ जी हाँ जी। फ्रेंसियम है वो रेडियो एक्टिव है, तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, दैट इज फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है तो मैंने लिखे नहीं है सारे यहाँ पर, ओके। ऊपर सेलेनियम टेलुरियम एंड पोलोनियम, क्लोरीन एफ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टर, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ीनॉन, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने लर्न करने हैं, इनको लर्न करने का मैं आपको राइम जो है वो सेंड कर दूंगी, ठीक है। पहले पढ़ तो लो, जैसे आपको एक राइम सेंड की है फर्स्ट 20 जो आप पढ़ के आए हो, ठीक है, वैसे ही बाकियों को लर्न करने की भी राइम। यहां तक बना लिया, हैव यू मेड टिल नाउ, ओके। नाउ लिसन, द फर्स्ट ग्रुप, ये जो पहला वाला ग्रुप है इसको हम क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स, द फर्स्ट ग्रुप वी कॉल दिस एज एल्कली मेटल्स, द सेकेंड ग्रुप वी कॉल दिस एज एल्कली अर्थ मेटल्स, वी कॉल दिस एज एल्कली अर्थ मेटल्स, ओके। द फर्स्ट ग्रुप इज नोन एज एल्कली मेटल्स एंड द सेकेंड ग्रुप इज नोन एज एल्कलीन अर्थ मेटल्स एंड दे बोथ टुगेदर दे आर नोन एज द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बोथ टुगेदर दे आर नोन एज द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। टुगेदर हम इनको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू के एलिमेंट्स को। क्लियर हो गया, इज इट क्लियर। अब ये जो 13 से 18 है ये अलग है, ये आपके जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स होते हैं, डू रिमेम्बर दे आर द मेटल्स, ये दोनों कौन से बिहेवियर शो करते हैं, मेटल, पता ना आपको, लिथियम है देते हैं, सोडियम एन ए पॉजिटिव बनाता है, पोटेशियम भी पॉजिटिव बनाता है, सी ए टू पॉजिटिव बनाता है,
मैग्नीशियम टू पॉजिटिव बनाता है, तो ये सारे क्या है, मेटल्स हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन. नाउ दिस ग्रुप 13 to 18 दे आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. स्मॉल में लिखना है, कैपिटल्स में नहीं लिखना. एस एंड पी, हाँ एस भी स्मॉल में लिखना. एस ब्लॉक एलिमेंट्स दे आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड दे आर द नॉन मेटल्स. ये क्या है, ये नॉन मेटल. ओके, अब हमने इनको अलग अलग फैमिली में कंसीडर किया हुआ है. जैसे इनको मैंने अल्कली मेटल्स कहा है, इनको लो अल्कलीन अर्थ मेटल्स कहा है. दिस फैमिली द ग्रुप 17, दिस फैमिली इज नोन एज हैलोजन्स. जो 17 ग्रुप की फैमिली है उसको हम क्या कहते हैं, हैलोजन्स कहते हैं. ठीक है, जो 18 वाले हैं उनको हम क्या कहते हैं, 18 वाले ग्रुप को नोबल गैसेस, नोबल गैसेस और इनर्ट एलिमेंट्स और जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, और क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स. ठीक है जी, हाँ इनके अलग अलग नाम है. इन सारे को हमने एक ग्रुप में, एक फैमिली में कंसीडर किया. ठीक है, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, नोबल गैसेस और इनर्ट एलिमेंट्स. ठीक है, तो ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ के आते हो, पढ़ते हो ना. ओके, एस एंड पी, अगर मैं एस और पी दोनों को कंबाइन कर देती हूँ, ठीक है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स दे बोथ आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. क्या कहा है मैंने, एस एंड पी ब्लॉक बोथ दे आर नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जिसमें आप 1, 2, 13, 14, 15, 16 and 17 तक आप इंक्लूड करोगे. ठीक है, 17 तक इंक्लूड करेंगे क्योंकि 18 तो है ही, अलग ग्रुप है. ओके, 18 इज डिफरेंट ग्रुप, दैट इज द जीरो एलिमेंट ग्रुप और रिप्रेजेंटेड नोबल गैसेस. यहां तक क्लियर हो गया. एस एंड पी दे बोथ आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप आ जाता है. उसके बाद आप देखो, ये जो मैंने 3 to 12 बनाए हुए हैं एलिमेंट्स, ठीक है, द एलिमेंट्स हेयर जो यहाँ पर लिखे जाएंगे, मैं एलिमेंट्स लिखूंगी नहीं क्योंकि वो हायर क्लासेस में आप जाके पढ़ोगे. यहाँ तक हमारा मेन है एस और पी ब्लॉक के साथ. ओके, ये जो मैंने 3 to 12 एलिमेंट्स लिखे हैं, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स. What we call them? Transition elements. Now, why we call them transition elements? देखो, एक element की property बिल्कुल change हो जाती है यहां से वहां तक जाने में, समझ रहे हो? Here they are behaving as a metal. When I am crossing these 10 elements, जब मैं इन 10 elements को cross करके आगे जा रही हूँ, तो वो metal से किस में change हो गए? वो एक transition आ गया, एक change आ गया. एक चेंज आ गया ना पीरियोडिक टेबल में कि नहीं, यहां पर वो मेटल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं. व्हेन आई एम क्रॉसिंग दीस 10 एलिमेंट्स दे आर बिहेविंग लाइक नॉर्मल, सो दे आर शोइंग अ चेंज, दे आर शोइंग अ ट्रांजिशन, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. 3 to 12 वाले जो एलिमेंट्स हैं, हाँ मेटल्स इंक्लूड किए जाते हैं यहाँ पर. ठीक है, दे विल ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मेटल्स. यहाँ पर कॉपर आप लिखते हो, आयरन लिखते हो, वो मेटल्स है ना आपके, Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, कोबाल्ट है, निकल है, तो ये सारे मेटल्स है. ठीक है, मेटलॉइड्स यहाँ से आते हैं, डी ब्लॉक से. हाँ, ये डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक बन जाता है. 18th वाला नहीं इंक्लूड करना है. ओके, दैट इज अ सेपरेट, ये रहा पी ब्लॉक 13 to 17. ठीक है, 13 to 17 विल बी पी ब्लॉक एलिमेंट्स. यहां तक क्लियर हो गया. अब ये डी ब्लॉक हो गया, ये डी ब्लॉक है 3, 4, 5 वाले 12 तक, दीज आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स.
अब हमारा पीरियोडिक टेबल कैसे कंप्लीट होता है, ये सारा यहाँ पर आपने कवर कर देना है, बंद कर देना हमने यहाँ पर इसको, ठीक है। इसके बाद भी एलिमेंट्स हैं बट वी आर नॉट गोइंग टू राइट देम, ठीक है। नेक्स्ट यू विल बी मेकिंग टू लाइंस हियर, यहाँ पर नीचे जो हैं वो आपके अगेन दो लाइंस जो हैं वो रिप्रेजेंट की जाती हैं। ये भी नहीं करने हैं हमने डी और एफ नहीं करना बिल्कुल, मैं आपको समझा रही हूँ। यू शुड बी नोइंग द जनरल आउटलाइन ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ओके। हियर वी आर आल्सो हैविंग टू पीरियड्स, ये वाले जो आपके एलिमेंट्स आते हैं यहाँ पर दे आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको आप लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स कहते हैं, ओके। द फर्स्ट सीरीज इज नोन एज लैंथेनाइड सीरीज and the second series is actinoid series, okay, but हमने करने नहीं है, आपको बताने चाहिए, okay। First series is lanthanoid series, second series is actinoid series, okay। यहां तक clear हो गया, क्लियर है यहाँ तक? तो आपका ये जनरल पीरियोडिक टेबल है, देख लो, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछो। ऑक्सीजन फैमिली को चैल्कोजेम्स भी कहते हैं। इन केस इफ यू आर आस्क्ड अबाउट द चैल्कोजेम्स, ओके, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट पीरियोडिक टेबल में तो आप पूछ लो अभी, ओके। एस ब्लॉक द ग्रुप वन इज अल्कली मेटल, ग्रुप टू आर द अल्कलीन अर्थ मेटल्स, ओके, दे बोथ रिप्रेजेंट द मेटल्स, यानी कि मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एंड हेयर दे गेन इलेक्ट्रॉन्स। पढ़ा ना आपने N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, तो वो सारे गेन करते हैं तो नॉन मेटल्स हैं, तो आपका पीरियोडिक टेबल SPDN F ब्लॉक से बना हुआ, ओके। Now how we are going to see that how many periods are there in the periodic table? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने periods जो हैं, उन periods में कितने elements जो हैं वो arranged होंगे, so there is one general formula for the arrangement of the electrons in the periods, and that formula is 2n². पर यहाँ पर आप पीरियड्स में हर एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, तो उस फॉर्मूला इसको फॉर्मूला को यूज करके हम बताएंगे 2n². दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड। अब जैसे वी आर कंसर्न्ड विद द फर्स्ट पीरियड, अगर मैंने फर्स्ट पीरियड देखना है, देखो आपके 7 पीरियड्स बना दिए मैंने यहाँ पर, दीज आर द 7 पीरियड्स बना दिए, ठीक है। फर्स्ट पीरियड के लिए एन को क्या पुट करोगे, दैट मींस यू आर हैविंग हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द फर्स्ट पीरियड, यही है हाइड्रोजन और सिलेबस में नहीं है, मैं वैसे बोल रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए, दे आर द रेडियो एक्टिव स्पीशीज, हम कहीं पर यूज नहीं करेंगे इनको, वो रेडियो एक्टिविटी में जाते हैं, ओके, राइट। मुझे बताना तो पड़ेगा ना, 7 पीरियड है वो, 7 पीरियड्स तो बनाने पड़ेंगे। हो गया यहाँ से, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स आ जाते हैं, 2। फॉर द सेकेंड पीरियड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, एन को 2 पुट कर दो, 2 2 4, 4 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। थर्ड पीरियड में कितने, अच्छा एक चीज और, यहां पर भी आपका जो है थर्ड पीरियड इट ऑल्सो कंटेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 8 ही आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड
8. Third period it also consists of 8 elements. Okay. Now for the fourth period. तो आपको अगर आपको याद हो नाइन्थ में मैंने आपको बताया था 2 8 8 दो बारी लिखेंगे, फिर 18 18 दो बारी लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 30. ठीक है, तो तभी बताया था n is equal to 4 कितना आ गया 18. n 4 पे 18 आएगा ना, 4 4 तो 16 क्या नहीं 3 3 तो 9 9 2 18. यहाँ पर भी आपने 2 के अकॉर्डिंग ही लिखा. ठीक है, फोर्थ पीरियड के लिए हम जो n है उसको क्या लेंगे 3 लेंगे. ओके, अब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. ठीक है, तो यहाँ पर आपने कॉन्फ़िगरेशन रिपीट करनी है एज 2 8 8 18 and 18 and 30. ठीक है जी, अब उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं फिफ्थ पीरियड. फिफ्थ पीरियड के लिए बताओ अब फिफ्थ पीरियड में भी 18 ही होंगे आपके. ठीक है, हाँ सिक्स और सेवेंथ में कितने हो जाएंगे 30. सिक्स एंड सेवेंथ पीरियड विल बी हैविंग हाउ मेनी एलिमेंट्स 30. नाउ राइट डाउन वन लाइन. अच्छा, मैंने आपको एलिमेंट्स बता दिए, आप राइट डाउन वन लाइन. द सेवेंथ पीरियड इज इनकम्प्लीट. द सेवेंथ पीरियड इज इनकम्प्लीट एंड इट ओनली कंटेन्स 23 एलिमेंट्स. द सेवेंथ पीरियड इज इनकम्प्लीट एंड इट ओनली कंटेन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स 23 एलिमेंट्स. ओके, तो अभी वो कंप्लीट नहीं है. राइट डाउन द फर्स्ट 3 पीरियड्स जिसमें आपने 2 8 8 लिखा है. द फर्स्ट 3 पीरियड्स दे आर नोन एज द शॉर्ट पीरियड्स. जो आपके पहले 3 पीरियड्स हैं वो शॉर्ट ही, वेरी शॉर्ट लिखना, वेरी शॉर्ट लिखना, ऐसे नॉर्मली शॉर्ट में ही काउंट करते हैं हम उसको. द फर्स्ट 3 पीरियड्स आर नोन एज द शॉर्ट पीरियड्स. क्यों शॉर्ट कहा जाता है बेटा उनको? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसमें? 2 और 8 है, कम है. एंड द नेक्स्ट पीरियड्स कितने रह गए? 4 5 6 7 and 7th पीरियड. ठीक है, दे आर नोन एज द लॉन्ग पीरियड्स. द नेक्स्ट 4 पीरियड्स आर नोन एज द लॉन्ग पीरियड्स क्योंकि उनमें कितने एलिमेंट्स हैं? 18 and 32. ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया. क्या पीरियड्स वाला नहीं? आपने पीरियड्स जो है वो रिपीट करने हैं. जैसे फर्स्ट पीरियड में यू विल बी हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2n² के अकॉर्डिंग n 1 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा कि नहीं? n को 1 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा. अब आपने सेम स्कीम जो है वो सेकंड और थर्ड पीरियड के लिए करनी है जहां पर आप एन को क्या पुट करोगे? 2. तो 2 2 4 4 2 8 तो सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या 8 एलिमेंट्स आएंगे. आपने रिपीट करनी है कॉन्फ़िगरेशन, ये याद रखना है. 2 8 8 18 18 फिर 32 आएंगे. ठीक है, फिर फोर्थ और फिफ्थ के लिए क्या हो जाएगा? फोर्थ और फिफ्थ के लिए 18. ठीक है, फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवेंथ के लिए 32 आ जाएगा. तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, इन दोनों के लिए आपने n की वैल्यू 2 लिखनी है, यहाँ पर n की वैल्यू 3 है एंड हियर n वैल्यू इज 4. आएंगे, सेवेंथ इनकम्प्लीट है. ठीक है, सेवेंथ इज इनकम्प्लीट. मैं आपको दिखा देती हूँ. ओके, समीक्षा रिगार्डिंग दी एफ ब्लॉक सीरीज. एफ ब्लॉक सीरीज हमारे पास ये 2 सीरीज आती हैं नीचे,
The first series is lanthanoid series and the second series is actinoid series. Okay? तो ये जो है ये यहाँ से एक्सट्रैक्ट होती है बेसिकली. यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो पूरे नहीं आते हैं तो हम अपने पीरियोडिक टेबल को चेंज नहीं करते हैं. ओके यहाँ वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको नीचे एडजस्ट किया हुआ है हमने. राइट सो वो दो सीरीज जो हैं दे आर नोन एज द एफ ब्लॉक सीरीज. ओके वेयर द फर्स्ट सीरीज इज नोन एज लैंथेनॉइड सीरीज एंड द सेकेंड सीरीज इज नोन एज एक्टिनॉइड सीरीज. Okay, so coming to the next part now, achievements of this modern periodic table. Write down achievements of modern periodic table. Hanji, for this modern periodic table, kya fundamental property thi? Kis cheez ko main liya unhone? Atomic numbers ko. Okay, so here the fundamental property is the atomic number on which the periodic table is based on. और मेंडलिफ में आपने क्या कहा था कि मेंडलिफ ने कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी नहीं एक्सप्लेन किया कि क्यों रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट्स. ओके उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्यों रिपीट हो रही हैं. बट यहाँ पर आपको पीरियोडिसिटी का कॉज पता चल गया है. क्या कॉज है? व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी बेटा? एटॉमिक नंबर में भी स्पेसिफिक क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन दे आर एक्चुअली रिपीटिंग. देखो उस दिन भी मैंने एग्जाम्पल बताई थी लिथियम सोडियम मैग्नीशियम सॉरी पोटाशियम 2-1, 2-8-1, 2-8-8-1 सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ठीक है तो द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. राइट ऑन द थर्ड पॉइंट. सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं. ओके सो द नेक्स्ट इज कि अब हमें ये भी पता चल गया है कि जो सेम एलिमेंट्स हैं दे आर एक्चुअली रिपीटिंग एट द कॉन्फिगरेशंस ऑफ 2, 8, 18 and 32. ओके सो यू कैन राइट डाउन दिस पॉइंट आल्सो. द एलिमेंट्स दे आर रिपीटिंग एट द कॉन्फिगरेशंस ऑफ 2, 8, 18 and 32. यानी कि इनका डिफरेंस जो है वो कितना है? 2 से 8 से 18 से या 32 से. ओके तो ये डिफरेंस वाले नंबर्स भी हमें पता चल गए. राइट डाउन द नेक्स्ट वन. सो यहां पर जो भी मेंडलिफ पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन में पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द मिसफिट ऑफ द एलिमेंट्स या एटॉमिक मासेस करेक्शन थी तो वो सारी चीजें जो थी वो रिमूव कर दी हमने. ओके सो दिस पीरियोडिक टेबल इट एक्चुअली removes all the limitations of the Mendeleev periodic table.